हेलो हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो वेलकम टू खाद्य खुराक पेज। हेलो मैं किंजल ब्रह्मभट्ट अहमदाबाद से हूँ और मैं एक होम बेकर हूँ। मैं केक कस्टमाइज केक के ऑर्डर भी लेती हूँ। हेलो एम आई ऑडिबल फ्रेंड्स? हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाए, हम एक दो मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। हाय डीपी, गुड आफ्टरनून। हेलो रिचा, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू खाद्य खुराक पेज ऑल ऑफ यू। क्या बना रहे हो मैम? आज मैं केसर कलाकंद केक बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं खाद्य खुराक पेज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक्स फॉर हिमाचल सर, परिता मैम, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और प्लेटफॉर्म पर आके मुझे लाइव रेसिपी दिखाने का मौका दिया है। हेलो, आज मैं केसर कलाकंद केक बनाने वाली हूँ। चलो तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं केसर कलाकंद केक बना रही हूँ आज, जो एक फ्यूजन फ्लेवर है। सबसे पहले मैंने ये केसर कलाकंद घर पे बनाया हुआ है। ये हमने मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर वाला और ये केसर वाला मिल्क है जिसको मैंने लूक वॉर्म मिल्क करके उसमें सेफ्रॉन डाल के रख दिया था आधे घंटे पहले। और ये शुगर पाउडर है। तो आज हमें केसर कलाकंद केक के लिए इतने इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। चलो तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले तो मैं ये स्पॉन्ज लूंगी, उसके बाद हमने जो ये मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर वाला उसमें हम हमारा केसर का जो मिल्क है वो ऐड करेंगे ताकि हमारे केक में वो केसर का फ्लेवर मिले। उसके अंदर हम पाउडर शुगर डालेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास घर पे मिल्क मेड पड़ा हुआ है तो उसकी जगह आप वो भी यूज कर सकते हो। तो हमने ये हमारा फ्लेवर वाला मिल्क रेडी किया है। इस मिल्क से हम लोग अपनी केक को सोक करेंगे। ताकि हमारे स्पॉन्ज में ये फ्लेवर मिले।
थीम है। इसके अंदर भी हम केसर वाला मिल्क ही डालेंगे ताकि हमारे क्रीम में भी वो फ्लेवर मिल जाए। ज्यादा नहीं, एक या दो टेबलस्पून ही डालेंगे हम। फ्रेंड्स ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक फ्यूजन फ्लेवर केक है। सबसे पहले हम स्पॉन्ज पे क्रीम डालेंगे। पैलेट नाइफ की हेल्प से ये हमने कर लिया। बाद में हम इसके ऊपर कलाकंद डालेंगे जो मैंने घर पे बनाया हुआ है। हमारा केक ही कलाकंद है तो नेचुरल कलाकंद से ही हम उसका फ्लेवर देंगे। मैं यहाँ पे कोई एसेंस यूज नहीं कर रही हूँ। कुछ 5-6 ड्रॉप हम केसर के मिल्क वाले डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। अब ये हमारा दूसरा वाला लेयर रखेंगे। केसर कलाकंद केक बना रहे जो बाद में जुड़े हैं। अगर आपको स्पॉन्ज की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं देंगी आपको। 51 फिर से हम केक को अप्लाई करेंगे। पूछ रहा है केक की रेसिपी। मैम कलाकंद कैसे बनाया वो आपको मैं केक बनने के बाद लास्ट में उसकी रेसिपी दूंगी ताकि सब मिक्सअप ना हो जाए। आपने स्क्रैच से बनाया है स्पॉन्ज से? मैंने स्क्रैच से बनाया हुआ है, मैंने प्रीमिक्स यूज नहीं किया है। लास्ट वाला फर्स्ट लेयर रखेंगे इसके ऊपर। केक रेसिपी प्लीज। मैडम मैंने केक के लिए स्पॉन्ज के लिए 1 + 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है यानी कि मैदा लिया है। 1 कप मैंने सुगर पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है और 1/2 टीस्पून मैंने विनेगर लिया है और 1 कप वाटर। लास्ट में हमें 1/3 कप ऑयल लगेगा। इन सबको मिक्स करके मैंने एक बैटर बना लिया है। उसके बाद मैंने 180 डिग्री पे उसे बेक किया है। अगर आपकी कुछ और भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी उसके आंसर देने का।
किसके कुछ क्वेश्चन है? आपका कप कौन सी साइज का है, 200 ml और 250 ml? मेरा 200 ml का है। और ये केक में मैंने कोई भी एसेंस यूज नहीं किया हुआ है, ये एक नेचुरल फ्लेवर का केक बनेगा। और किसी को कुछ पूछना है? जो बिगनर्स हैं, उन लोगों को यही स्टेज पे केक को फ्रीज में रखना है 5 to 10 minutes के लिए। अगर आप केक बना रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये दिक्कत आएगी, इसमें क्रम्स बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, तो आपको इसे 5 minutes के लिए फ्रीज में रखना है, फिर लास्ट में हम हमारा फ्रोस्टिंग करेंगे। और हाँ, किसी ने मुझे कलाकंद का रेसिपी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये घर पे बनाया हुआ कलाकंद है। उसके लिए मुझे 400 ग्राम पनीर लगा हुआ है, मैंने पनीर से बनाया है, जो इजी में हो जाता है, इजी वे में बन जाता है ये कलाकंद, मैंने घर पे बनाया हुआ है केसर कलाकंद। 400 ग्राम पनीर लगेगा, 500 ml दूध लगेगा और 200 ml मुझे कंडेंस मिल्क लगा है। अगर आप चाहो तो उसकी जगह पे शुगर भी ले सकते हो, पर कंडेंस मिल्क का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, उससे बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मैंने मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद जब उबला हुआ दूध 5 to 10 minutes तक आधा हो चुका, बाद में मैंने उसमें पनीर डाला है, पनीर ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया, बाद में मैंने उसमें कंडेंस मिल्क डाला था और तीनों चीजों मिक्स होके अपने पैन को छोड़ने लगे, तब तक उसे मैंने स्टर किया है और लास्ट में मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची और केसर वाला मिल्क ऐड किया था 2-3 tablespoons जितना। उसे अच्छे से स्टर करना है, उसमें बिल्कुल भी दूध का वो भाग रहना नहीं चाहिए, पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए उसमें, तभी वो कलाकंद में बनेगा, वरना वो बिखर जाएगा, वो ऐसे पीसेस में आपको नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा मिल्क है वो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए हमारे पनीर में। उसके बाद मैंने एक टीन में, टीन को मैंने ग्रीस किया था, बटर से ग्रीस किया था, आप बटर से या घी से ही ग्रीस करना तो ही कलाकंद के पीस मिलेंगे, ऑयल से मत करना। बाद में मैंने उस टीन में बैटर को डाल के फ्रीज में 8 घंटे के लिए, 7 to 8 घंटे के लिए रख दिया था। दूसरे दिन मुझे ये कलाकंद का ऐसा पीस मुझे मिला है और ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये बहुत अच्छी मिठाई है, ये इसका फ्लेवर केक के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर एक बार बनाना। मैम, टर्न टेबल एक्रेलिक का है या स्टील का? नहीं, एक्रेलिक का है मेरा टर्न टेबल, एक्रेलिक या स्टील का ही लेना चाहिए, प्लास्टिक का मत लेना। पनीर आपने घर पे बनाया था? नहीं, पनीर मेरे घर में पड़ा था रेडीमेड, तो मैंने वो ही पनीर लिया है। अगर आप चाहो तो पनीर घर पे बना सकते हो, अगर आपको घर पे बनाना है पनीर तो आपको 2 liters दूध लेना होगा, 2 liters मिल्क आपको लेना होगा, उसमें से 1.5 liters दूध का आपको छेना निकाल के उसका पनीर बनाना है, और 500 ml मिल्क जो मैंने बोला था आपको कि अलग से उबालो आप, वैसे ही आपको करना है, ठीक है? वरना आप रेडीमेड भी ले सकते हो, मेरे घर में पड़ा था तो मैंने वो पनीर यूज कर लिया है। चलो अब हम हमारा फाइनल फ्रोस्टिंग करते हैं केक का।
अगर क्रीम को आपने ज्यादा देर बाहर रखा हुआ है तो आप इसी तरह से क्रीम को फेंट के लेंगे, वरना उसमें बबल्स आ जाएंगे। मैम साइज ऑफ टर्न टेबल? ये 12 इंच का टर्न टेबल है मेरा, ये 12 इंच का टर्न टेबल है। विच फ्लेवर मैम? हम लोग केसर कलाकंद केक बना रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं मैं, मैंने केसर कलाकंद केक बनाया हुआ है। और कुछ क्वेरी है किसी की? कलाकंद के लिए दूध कितना लिया? देखो बेसिकली तो कलाकंद के लिए 2 लीटर दूध लगता है आपको, पर मैंने क्या है कि पनीर रेडीमेड लिया हुआ था तो मुझे 500 ml ही दूध लगा हुआ है। अगर आपको घर पे पनीर बनाना है तो आपको 1.5 लीटर दूध लगेगा, और उसको उबाल के फिर उसमें से आप छेना बना लो। और किसी की कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स? अच्छा, इसको ना स्क्रैपर बोलते हैं, इसको ना स्क्रैपर बोलते हैं, इससे हमारे केक का फिनिशिंग आएगा। वो क्लीन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने मैंने इसे कैसे डिजाइन किया हुआ है। अब हम लोग इसको केक के जो बोर्ड है उस पे लेंगे। धीरे से उठाना है, फिर ऐसे बोर्ड पे रखना है। निकल गया इजीली। इसे डेकोरेट करेंगे। किसी का कुछ और क्वेश्चन है? आज मैंने केसर कलाकंद केक बनाया हुआ है, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, जो मैं येलो कलर से डेकोरेट करूंगी। उसके लिए मैंने ये येलो कलर लिया हुआ है, ये लिक्विड कलर है येलो। 2-3 ड्रॉप ही डालेंगे हम।
मुझे इतना ही येलो कलर चाहिए तो मैंने इतना ही डाला है, अगर आपको डार्क चाहिए तो आप ज्यादा कलर डाल सकते हो। टोटल कितना व्हिपिंग क्रीम है? मैडम मैंने ये एक कप व्हिपिंग क्रीम लिया था जिसको बीट करके इतना हुआ है। जेल कलर ले सकते हैं? हाँ मैडम, जेल कलर भी ले सकते हैं और लिक्विड कलर भी ले सकते हैं। मेरे पास लिक्विड था तो मैंने वो यूज किया है। अब हम ये पाइपिंग बैग लेंगे। मैंने बैग में थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया है केक का वेट, उसके जो एजेस है वो अच्छे से येलो डार्क में मिले हमें। केक का वेट वैसे तो 500 ग्राम होता है पर थोड़ा ज्यादा 100-150 ग्राम ज्यादा ही हो जाता है हम होम मेकर जब बनाते हैं घर पे। तो हाथ क्लीन करके आती हूँ। इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद देन कैन यू टेल फ्रॉम वेयर यू बाय ऑल बेकिंग मटेरियल्स? वो सब आरिफ में से मिल जाता है मैडम। नोजल नंबर? M1 नोजल लिया है मैंने, M1 का नोजल लिया है, देखो M1 नोजल है। और आपको सब ऑनलाइन भी मिल जाता है अभी तो। अब हम लोग रोजेट बनाने वाले हैं। दिख रहा है आप सब लोगों को ये? दिख रहा है ना अच्छे से? मैं केक्स बनाती हूँ तो केक का टॉप लेयर पार्ट हार्ड हो जाता है एंड इफ उसको लेयर्स बनाती हूँ तो लेयर टूट जाती है, तो उसको सॉफ्ट कैसे करूँ प्लीज टेल मी। मतलब मैडम आप स्पॉन्ज की बात कर रहे हो या क्रीम की बात कर रहे हो? आपका स्पॉन्ज हार्ड हो जाता है? अगर स्पॉन्ज होता है तो आपके बैटर में कोई प्रॉब्लम, मतलब आपके बनाने के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके माइक्रोवेव में कोई प्रॉब्लम है? हम लोग रोजेट्स बनाते हैं व्हीट नोजल में। ये मैंने M1 नोजल लिया हुआ है, दिख रहा है अच्छे से? अब हम इसका नीचे एक बॉर्डर बना लेंगे ताकि इसका लुक और भी अच्छा है। ऑनलाइन क्लास डिटेल्स में? मैं मैडम अभी तो ऑनलाइन क्लास नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक होम मेकर ही हूँ, पर सोच रही हूँ कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ। हम इससे स्टार ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, मुझे स्टार ही चाहिए। अगर आप कुछ और डिजाइन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। किसी को और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। नाइस कलर मैम। थैंक यू। ये हमारा केक रेडी हो गया। अब मैं इसे सुगर बॉल से डेकोरेट करूंगी।
मेरे पास ऐसे कुछ सुगर बॉल्स हैं जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये। राइस पेपर पानी में डिप करने के बाद हार्ड कैसे होता है? फ्रीज में रखना पड़ता है क्या? नहीं मैडम, राइस पेपर हार्ड होता ही नहीं। आप 1-2 मिनट के लिए उसे पानी में डाल के ऐसे फिंगर से टर्न करो बार बार, 2-3 बार, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। और नहीं, आपको फ्रीज में नहीं रखना है, बना के 10-15 मिनट के लिए या 3-4 घंटे के लिए बाहर रखोगे वो हार्ड हो जाएगा, फिर बाद में आप केक पे अप्लाई कर सकते हो। लेफ्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम कहाँ स्टोर करना है एंड उसको वापस यूज कर सकते हैं? वैसे तो लेफ्ट ओवर क्रीम रखनी ही नहीं चाहिए, अगर थोड़ी और बच जाती है तो एयर कंटेनर में पैक करके आप दूसरे दिन इस्तेमाल कर लो, ज्यादा नहीं रख सकते आप। और वो भी यूज करो तो केक के अंदर ही यूज करो, फिनिशिंग में मत करना, वरना केक का फिनिशिंग खराब हो जाएगा पूरा। ब्यूटीफुल केक मैम। और जैसे कि हमारा केक केसर कलाकंद है तो हम इस पे कलाकंद रखेंगे तो ही पता चलेगा कि हमारा केक केसर कलाकंद है। मैं कलाकंद का पूरा पीस ही रख रही हूँ, अगर आपको ऐसे क्रैक करके रखना है तो रख सकते हो आप, देख लो। आप कहाँ से हो मैम? मैडम मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। और कुछ क्वेरी है आप लोगों की? ब्यूटीफुल एंड नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। मैंने ये स्क्रेच से बनाया हुआ केक है, इसका मेजरमेंट आपको दोबारा एक बार दे देती हूँ। मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ था, 1 कप मैंने शुगर पाउडर लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, 1/2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ था, 1/2 टीस्पून उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया था, 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया था, 1 कप मुझे वाटर लगेगा और लास्ट में 1/3 कप मैंने ऑयल लिया था। इन सबको मिक्स करके मैंने 180 डिग्री पे बेक किया था 25-30 मिनट्स के लिए। मैम कलाकंद कैसे बनाया? मैडम मैंने कलाकंद घर पे बनाया हुआ है, वो मैंने पनीर मिल्क और कंडेंस मिल्क से ही बनाया है। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया था, 400 ग्राम मेरा पनीर था, 500 ml मेरा मिल्क था और 200 ml मेरा कंडेंस मिल्क था। कंडेंस मिल्क की जगह पे आप शुगर भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि उससे अच्छा टेस्ट आएगा, टेक्सचर मुझे अच्छा मिलेगा। मैम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर इज टू मच? हाँ तो मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ही बोला है, उतना तो लगेगा ही आपको, और 1/2 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा लगेगा तो ही आपका केक इतना स्पॉन्जी बनेगा। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ही लगेगा आपको स्पॉन्ज बनाने के लिए। और कुछ क्वेरी है आप लोगों की? ये केक बनने के बाद आप एक बार टेस्ट करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये केसर कलाकंद केक है, वैसे भी कलाकंद तो हमारी फेवरेट ही होती है सबकी, और इजी में घर में बन जाता है कलाकंद, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जितना देखने में यम्मी लगता है उतना ही टेस्ट करने में यम्मी लगता है। 3 साइज फॉर बेस? मेरा 6 इंच का टीन है मैडम, मैंने 6 इंच का टीन लिया हुआ था। मैडम आप क्या पूछ रही हो, 1 टेबलस्पून है या 1 TSP है, आप क्या पूछ रही हो? किस चीज के बारे में पूछ रहे हो मैडम आप? ख्याति मैडम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। देखो मैडम, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही लगेगा। इट्स 1 kg? नो, इट्स नॉट 1 kg, ये 500 ग्राम का है।
थैंक यू। बेकिंग पाउडर, और हम एक कला कलाकंद नीचे भी रखेंगे इस तरह से। मैम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शुगर मेजरमेंट अगेन। यस मैम, मैंने 1 कप लिया था मैदा, 1 कप लिया था मैंने शुगर पाउडर, 1 TSP लिया था मैंने बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP लिया था मैंने बेकिंग सोडा, 1/2 TSP लिया था मैंने वनीला एसेंस, 1/2 TSP लिया 1 TSP लिया था मैंने विनेगर, 1 कप मुझे वाटर लगा था और लास्ट में मैंने 1/3 कप ऑयल मिक्स किया था। और उन सबको मिक्स करके मैंने एक बैटर बना के 180 डिग्री पर मैंने बेक किया था। इट लुक्स वेरी डिलीशियस। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी अभी भी बाकी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Very nice cake. Thank you. Hello. Hello, Ekta. We like it. Thank you. जितना देखने में अच्छा है उतना उससे भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगता है ये केक। माउथ वाटरिंग केक। और कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स आप लोगों को? विनेगर कितना लेना है मैम? विनेगर आप लोगों को 1 TSP लेना है। विनेगर 1 TSP लगेगा आपको। कौन सा केक है ये? ये कलाकंद केक है। ये मैंने कलाकंद केक बनाया हुआ है और कलाकंद मैंने घर पे बनाया हुआ था। इसमें मैंने कुछ भी एसेंस ऐड नहीं किया हुआ है, इसमें सब नेचुरल फ्लेवर ही है। थैंक्स मैम। आई होप आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। 52। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ मी। हेलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ मी फ्रेंड्स। बाय एवरीवन। ये वीडियो रहेगा? यस, ये वीडियो रहेगा। ये खाद्य खुराक के पेज पे ये वीडियो रहेगा। सुपर केक मैम। थैंक यू। क्रीम रेडीमेड है? नो, ये नॉन डेरी क्रीम है। रेडीमेड मिलता ही नहीं, हमें घर पे व्हिप करना पड़ता है। ये नॉन डेरी क्रीम है। मार्केट में कई सारे क्रीम मिलते हैं, नॉन डेरी क्रीम। आप कोई भी सा ले लो, सभी अच्छे आते हैं। सुमन मैडम, वो कैसे क्या कुछ पता नहीं चला, वो कैसे कैसे बनाते हैं मैम?
आप किसकी बात कर रहे हो, कलाकंद की या स्पॉन्ज की? क्रीम। एक्चुअली मैडम क्रीम को लाके बीट करना पड़ता है, वो रेडीमेड मिलती है आपको नॉन डेरी क्रीम मार्केट में। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेरी है आप लोगों की? आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा केक बना हुआ है। और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताना मुझे कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। नाइस। थैंक यू सोनिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे और मेरा पूरा वीडियो देखा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेरी है मैडम? और किसी को कुछ क्वेरी है? सुपर। सो नाइस केक मैम अमृता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन जॉइनिंग विथ मी। Bye. Bye, everyone.